अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं जा रही हूँ जॉब पर, रेडी हो गई हूँ और आपको जॉब से आकर ज्वाइन करती हूँ। जी तो गाइस, मैं वॉक कर रही हूँ और वॉक इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। वॉक करनी चाहिए और स्पेशली इस मौसम में जो अभी वेदर है, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा और सनी वेदर, और धूप का भी मजा लें और वॉक भी करें और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। टू डेज ऑफ है आपका? टू डेज ऑफ है और भाईजान ने जाना है। हानिया मैं लेकिन जब मैं टू डेज ऑफ होगा और मैं आगे स्कूल जाएगा, फिर मैं मनी दे रखूंगा। मदर्स डे आने वाला, आपके लिए मैंने कुछ लेना है वो शॉप से। क्या लोगी? मुझे नहीं पता, मैंने देखे नहीं होते क्या है, बस मैंने बस £1 चाहिए कुछ लेने के लिए। चलो ठीक है, ओके। कितनी प्यारी धूप घर में आ रही है, ज़बरदस्त, और बहुत ही अच्छा लगता है जब घर में इस तरह धूप आ रही होती है। बस मैंने अभी हेयर ऑयलिंग की है क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे हेयर्स इग्नोर हो रहे थे और मैं नोट कर रही थी मेरे हेयर काफ़ी ड्राई हो रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं, इससे पहले कि काम तमाम हो जाए मेरे बालों का, तो मैं हेयर ऑयलिंग स्टार्ट कर दूँ अगेन और उनकी केयर स्टार्ट कर दूँ। उन्हें भी कुछ ख़ुराक की ज़रूरत है और उनको भी थोड़ा खाने को देना चाहिए। तो बस अभी हेयर ऑयलिंग की है और अब बच्चों को फ्रूट्स वगैरह देते हैं और किचन की तरफ चलते हैं। किचन भी हमारा वेट कर रहा है, काम है किचन में, कुकिंग करनी है। सो गाइस, हम जा रहे हैं उड़द नूडल्स। वीकेंड से साकिब का बहुत दिल कर रहा था नूडल्स खाने का, वो भी उड़ल्स नूडल्स के, ठीक है। आई लव नूडल्स। और लेकिन सैटरडे संडे मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, स्टमक में पेन स्टार्ट हो गया, तो मैं तो घर में कुछ नहीं खाया, तो वहां जाके क्या खाती। तो फिर आज हमारा प्लान बना है कि चलें, हम चलते हैं। अब भी साकिब बस जॉब से आए हैं और अभी मैं बिल्कुल रेडी हूँ और इसी तरह अब हम जा रहे हैं। और आज आप समथिंग डिफरेंट ट्राई करेंगे आज। ठीक है। ये है साउथ हॉल और साउथ हॉल स्टेशन से मैं वॉक करके जा रही हूँ और मैं वॉक कर रही हूँ और मुझे वॉक करना वैसे भी अच्छा लगता है। सो मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। आप देख सकते हैं साउथ हॉल में कितनी रौनक है इस टाइम, रात के टाइम। ये है कुलचा एक्सप्रेस, यहाँ पे अपनी देसी चीज़ें और हर तरह की चीज़ें वो मिल जाती हैं जो हमारे पाकिस्तान में मिलती हैं। हाँ, ये इंडियन शॉप है और यहाँ पे सारे इंडियन ड्रेस मिलते हैं। हम पहुँच गए हैं उड़ाउस थ्री। अच्छा, लेकिन हाँ ठीक है, कंप्लीट योर बॉक्सेस वन बाय वन। हाँ, वन बाय वन, ठीक है। फॉर 18 और 18 18 सो ये बॉक्स है, ठीक है। और इसमें एग फ्राइड राइस, एग फ्राइड राइस और उड़द नूडल्स। एंड नेक्स्ट में क्या था सुनिए? इसमें ये कर लें, स्वीट एंड साउथ चिकन। एंड इसमें था हॉट एंड टैंगी चिकन। यस, ठीक है। उड़द नूडल बॉक्स सेम, यस, तीनों के सेम बॉक्स। फ्राइड राइस, उड़द नूडल्स और यहाँ पे आप मंचूरियन चिकन ही कर दें। मंचूरियन चिकन कर दें और यहाँ पे आप कर दें। आपको क्रिस्पी चिकन अच्छा लगा? क्रिस्पी चिकन। गाइस, हम आए हैं उड़ल्स नूडल्स और अभी हमने उड़ल्स ऑर्डर किए हैं क्योंकि साकिब का काफ़ी देर से दिल कर रहा था उड़ल्स खाने का, तो आज हम फाइनली आ गए हैं, टाइम निकाल के आए। जी, बच्चे अपना अपना टैबलेट यूज़ कर रहे हैं और हम वेट कर रहे हैं अपने ऑर्डर का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मीटिंग का मकसद ये था कि हम अपना लायमल तैयार करें जुमेरात के लिए, जिसके हमने आज एक पहली कोशिश की है
ये जो जुल्म और बर्बरियत पाकिस्तान में इस मची हुई है और इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए लोगों को के ऊपर इतना जुल्म किया जा रहा है, उनके ऊपर शेल फेंके जा रहे हैं, उनके ऊपर केमिकल वाटर फेंका जा रहा है, ना वो बुज़ुर्ग देख रहे हैं, ना वो औरतें देख रहे हैं, ना वो जवान देख रहे हैं, वो हर एक को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, घर तक उनके घुस गए हैं और कितने लोगों को गिरफ्तार करके ले गए हैं, कितने लोगों के ऊपर जालिम डाले जा रहे हैं। इस सिलसिले के लिए जो हमने एहतजाज अपने के लिए अपना करने के लिए सोचा है लंदन एम्बेसी के सामने, इस सिलसिले में आज मैंने सना से रिक्वेस्ट की और अपनी बहन रिबा से भी रिक्वेस्ट की कि हम लोग आएँ बैठें और इसका लायमल तैयार करें कि हम किस तरह से इसको ऑर्गेनाइज करेंगे और कौन कौन से स्लोगन होने चाहिए, हमारी तकरीर का मकसद क्या होना चाहिए और किस पैरामीटर में वो तकरीर होनी चाहिए कि हम अपने अखलाक के दायरे को कायम रखें, गाली गलौज से परहेज़ करें और ऐसा माहौल रखें कि लोग हमारी तरफ मुतवज्जे हों ताकि हम अपना पुरजोर एहतजाज एम्बेसी में दर्ज करा सकें। ये सॉल्ट एंड पेपर वाला चिकन है, ये क्रिस्पी चिकन है, ये हॉट एंड टेंगी चिकन है। सब मुझे खा के बताएं कैसा टेस्ट है। अच्छा है, बहुत अच्छा। अब आप बताएं। मैं बताता हूँ, नाइस है, वेरी नाइस। उड़द उड़द से फ्री हो गए, अब हमारा नशा हो रहा है चाय का, तो अब हम जा रहे हैं चाय वाला चाय पीने के लिए, क्योंकि हमें मीम जी ने भी ज्वाइन किया तो मीम जी भी चाय पीना चाह रही है, तो हमने कहा चले सर्दी बहुत ज़्यादा है, अभी बारिश हुई है, अब हम चाय पीने जा रहे हैं। Now we are going to eat पान shop. पान शॉप पे जा रहे हैं अब हम, और ये हम मीठा पान खाएंगे अभी, मीठा पान, और देखते आज मैंने काफ़ी देर के बाद उड़न नूडल्स खाए हैं तो बहुत मज़ा आया, और दूसरी बात के मैं मुझे भूख भी लगी हुई थी, मैंने घर में कुछ भी नहीं खाया, इसीलिए नहीं खाया था कि वहाँ जाके पेट भर के खाऊंगा। और दिस टाइम आपने जो फीलिंग्स उसमें ऐड करवाई हैं वो बहुत अच्छी फीलिंग्स थी जो आपने ऐड करवाई हैं। हाँ, जो टॉपिंग्स थी वो जो वो अब फीलिंग्स, हाँ, वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं थी तो मज़ा आया। लास्ट टाइम हमने जितनी भी फीलिंग्स ऐड करवाई थी वो सारी स्पाइसी थी, स्पाइसी थी, और वो खाना मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया, बट दिस टाइम, लेकिन दिस टाइम मैंने जो टॉपिंग चूज की थी, और मजे की बात हमें वहाँ पे शबो जी भी मिल गई, ये भी बहुत मजा आया। फिर शबो जी ने रिबा को कॉल की, वो भी हमें आई, फिर मीम जी ने भी हमें ज्वाइन किया, तो एक बहुत अच्छा एक मीटअप हो गया हमारा, लिटिल मीटअप हो गया, वहाँ पे हमने काफी फन भी किया। फिर उसके बाद हम चाय वाला में गए, वहाँ चाय पी, गपशप की, तो काफी आज का दिन प्लान था लेकिन मजा आया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड और एक और बात क्या।
हमने पान भी खाया। ओ, पान, लेकिन मैंने नहीं अभी खाया। मैंने भी नहीं खाया। मेरी भी जैकेट की पॉकेट में भी खाया, क्योंकि मैंने अभी चाय पी थी तो मैंने पान नहीं खाया, लेकिन आज हमने पान भी लिया है तो वो भी ट्राई करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।